हेलो पार्टनर्स, आइए आज हम सीखते हैं कि आप हनी वैक्स से हैंड वैक्सिंग कैसे कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक नीट एंड क्लीन सेटअप अरेंज करेंगे। इसके बाद हम कस्टमर से कुछ कंसल्टेशन करेंगे, जिसमें हमें उनसे पूछना होता है कि उन्होंने लास्ट टाइम वैक्सिंग कब करवाया था, उन्हें किसी प्रोडक्ट से एलर्जी तो नहीं है जैसे कि एलोवेरा जेल। इसके बाद हम उनके कॉन्ट्राइंडिकेशंस चेक करेंगे, जैसे कहीं पर उन्हें कट या बर्न तो नहीं है, और हम उनका इनग्रोथ हेयर चेक करेंगे। पार्टनर्स, इसके बाद आपको अपने वैक्स के टेम्परेचर को 80 डिग्रीज पे सेट करके रख देना है, और जब तक आपका वैक्स मेल्ट होगा आप कस्टमर को एक रिलैक्सिंग शोल्डर मसाज देंगे। इसके बाद आप वैक्स के टेम्परेचर को चेक करेंगे। कॉर्नर्स पे से आप चेक कर सकते हैं कि आपका वैक्स मेल्ट हुआ है कि नहीं। पार्टनर्स, वैक्सिंग को हम जोन्स में डिवाइड करके करेंगे, जिसके लिए हम आपको इस वीडियो की हेल्प से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारा सबसे पहला जोन है, जोन वन। एरो का डायरेक्शन बताता है कि आपका हेयर किस तरफ है, तो यहाँ पे हमारे एरोज का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है, क्योंकि यहाँ हमारे हेयर ऊपर होते हैं। इसके बाद आता है हमारा सेकेंड जोन, यहाँ पे हमारे एरोज का डायरेक्शन नीचे है, तो यहाँ पे आप इसी तरीके से वैक्स अप्लाई करेंगे नीचे की तरफ। सेकेंड जोन कम्प्लीट होने के बाद हम एल्बो की तरफ बढ़ते हैं। एल्बो पे आपको अंदर की तरफ वैक्स लगाना होता है। नेक्स्ट आता है हमारा सेंसिटिव एरिया। सेंसिटिव एरिया पे हम इनडायरेक्ट वैक्स करते हैं, इसलिए इस जगह को हम अलग से मार्क कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा थर्ड जोन, जहाँ पे हम वैक्स नीचे की तरफ अप्लाई करेंगे, और रिस्ट के एरिया के पास आता है हमारा फोर्थ जोन। इसके बाद हैंड का जो वाला हिस्सा है, इसे हम फिफ्थ जोन कहते हैं, जहाँ पे आपका एरोज का डायरेक्शन बाहर की तरफ डायगनली होगा। यहाँ पे आपको वैक्स भी इसी तरीके से अप्लाई करना होता है। इसके बाद आप कस्टमर का हैंड फोल्ड करके अपना सिक्स्थ जोन मार्क करेंगे, जहाँ आपके एरोज नीचे हैं। इसके बाद सबसे नीचे आता है हमारा हैंड एरिया, यहाँ पे आपको कस्टमर के हैंड को अच्छे से होल्ड करके वैक्स नीचे की तरफ लगाना होता है। आइए पार्टनर, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एक वेट नैपकिन लेके कस्टमर के हैंड्स को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। अगर उन्होंने कोई मॉइस्चराइजर, बॉडी लोशन वगैरह लगाया है तो इससे वो रिमूव हो जाएगा। नेक्स्ट प्रोसेस है आपका पाउडर एप्लीकेशन। आप टैल्कम पाउडर को पूरे हैंड्स पे स्प्रिंकल कर दीजिए, और फिर दोनों हैंड्स की हेल्प से आप उसे पूरे स्किन पे अच्छे से स्प्रेड कर दीजिए। पार्टनर्स, कस्टमर के ऊपर वैक्स स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले अपने ऊपर टेम्परेचर चेक करेंगे, जिसके लिए आप एक दूसरे स्पैचुला का यूज़ कर सकते हैं। हम जोन वाइज वैक्सिंग स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट जोन से स्टार्ट करते हुए आप वैक्स को ऊपर की तरफ लगाइए। ध्यान रखें कि आपका पैच का साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। वैक्स आपकी बहुत थिक नहीं होनी चाहिए। एकदम इवन एप्लीकेशन करते हुए पीछे से स्किन को ध्यान से स्ट्रेच करिए और वैक्स अप्लाई करिए। वैक्स अप्लाई होने के बाद आपको स्ट्रिप रखना है, और पूरे हाथ से प्रेशर देके उसके बाद आप स्ट्रिप को ऑपोजिट डायरेक्शन में पुल करेंगे। आपको सिर्फ फिंगर्स से प्रेसिंग नहीं करना है, आपके पाम का पूरा प्रेशर होना चाहिए। ठीक से पाम रबिंग करने से आपका हेयर ठीक से रिमूव होगा। फर्स्ट जोन कंप्लीट करने के बाद हम सेकेंड जोन पे आएंगे, जहाँ पे हमारा हेयर का डायरेक्शन नीचे की तरफ है, तो हम नीचे की तरफ वैक्स अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई करते वक्त भी हमें स्किन को अच्छे से स्ट्रेच करना है। इसके बाद हम पाम रबिंग करेंगे और ऑपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रिप्स को पुल करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा एल्बो। कस्टमर का हैंड्स उनके थाइस पे रखवा के आप एल्बो में अंदर की तरफ वैक्स अप्लाई करिए। यहाँ पे वैक्स चारों डायरेक्शन से अंदर की तरफ अप्लाई होता है। पुलिंग करते टाइम स्ट्रेचिंग का जरूर ध्यान रखें। पार्टनर्स, एल्बो का एरिया कंप्लीट होने के बाद हम सेंसिटिव एरिया करते हैं। जहाँ से हमारा हैंड फोल्ड होता है उसे हम सेंसिटिव एरिया कहते हैं। वहाँ पे हेयर ग्रोथ काफ़ी कम होती है और वो एरिया बहुत सेंसिटिव है। इसके लिए हम स्ट्रिप के ऊपर वैक्स अप्लाई करके वहाँ पे हेयर्स को रिमूव करेंगे। ध्यान से स्ट्रेचिंग आप बहुत अच्छे से करिए, और पूरे पाम का प्रेशर देते हुए आप हेयर को रिमूव करिए। इसके बाद हम जोन 3 और जोन 4 कंप्लीट करेंगे, जहाँ पे हमारा हेयर डायरेक्शन डाउनवर्ड ही होता है। सो आप इवनली वैक्स को अप्लाई करते हुए स्किन को स्ट्रेच करके पुलिंग कर सकते हैं। आपका पुलिंग बिल्कुल भी हार्श नहीं होना चाहिए। फोर्थ जोन तक कंप्लीट होने के बाद हम फिफ्थ जोन पे आएंगे। यहाँ पे आप डायगनल वैक्स अप्लाई करेंगे बाहर की तरफ,
और स्किन को स्ट्रेच करते हुए आप हेयर्स को रिमूव करेंगे। आपका स्ट्रिप पुलिंग बहुत आराम से करिएगा और पाम रबिंग आप बहुत अच्छे से करेंगे। फिफ्थ जोन कंप्लीट होने के बाद आप कस्टमर के हैंड को फोल्ड करवा दीजिए और पीछे बचे हुए हेयर्स को आप रिमूव करेंगे। इसके लिए आपको वैक्स को डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही अप्लाई करना है। नेक्स्ट आता है हमारा हैंड एरिया। इसके लिए आप कस्टमर की स्किन को अच्छे से टाइटली होल्ड करिए और डाउनवर्ड डायरेक्शन में वैक्स को अप्लाई करके रिमूव करिए। यहाँ पे आपका होल्डिंग बहुत ही टाइट होना चाहिए। इसके बाद फिंगर्स पे वैक्सिंग करने के लिए आप हर एक उंगली पे वन टाइम वैक्स अप्लाई कर लीजिए और एक एक करके ही वैक्स को रिमूव करिए। इससे कि मैसी कम होता है और आपका हेयर ठीक से रिमूव हो जाता है। पार्टनर्स, वैक्सिंग कंप्लीट होने के बाद आपको टॉर्च चेकिंग करना है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अगर आपसे गलती से कोई हेयर छूट भी गया है तो आप टॉर्च लाइट में उसे इजीली देख के रिमूव कर सकते हैं। कस्टमर के सेटिस्फाई होने के बाद आप वेट नैपकिन से पूरे हैंड्स को अच्छे से क्लीन कर दीजिए और कस्टमर के हैंड्स पे एलोवेरा जेल अप्लाई करके दीजिए। एलोवेरा जेल को स्प्रेड करके आप उन्हें हल्का सा मसाज दे सकते हैं। आइए पार्टनर्स, जानते हैं कि कस्टमर के कुछ कॉमन कंप्लेंट्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहला कंप्लेंट ये होता है कि वैक्सिंग के बाद उनके हेयर रह गए हैं, जिसका रीजन ये हो सकता है कि आपने प्रॉपर लाइट में बैठ के वैक्सिंग नहीं किया या वैक्सिंग करने के बाद आपने टॉर्च लाइट से चेकिंग नहीं किया। सेकेंड कंप्लेंट ये होता है कि वैक्सिंग के बाद उन्हें रेडनेस या रैशेस का इशू हुआ, जिसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप वैक्सिंग करने के पहले और बाद में उन्हें कोल्ड कंप्रेशन दे सकते हैं। नेक्स्ट कंप्लेन, कस्टमर को वैक्सिंग करते टाइम बर्न हो जाना। इसका रीज़न ये हो सकता है कि आपका वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म था या आपने उनके ऊपर अप्लाई करने से पहले उसका टेम्परेचर चेक नहीं किया। पार्टनर्स, आइए जानते हैं इसके कुछ सॉल्यूशंस। वैक्सिंग करते टाइम प्रॉपर लाइट में बैठ के वैक्सिंग करें। कंप्लीट होने के बाद टॉर्च लाइट से ज़रूर चेक करें। अगर आपके कस्टमर को रेडनेस या रैशेस की प्रॉब्लम आ रही है तो वैक्सिंग करने के पहले और करने के बाद उन्हें कोल्ड कंप्रेशन ज़रूर दें। कस्टमर के ऊपर वैक्स लगाने से पहले आप एक बार टेम्परेचर चेक ज़रूर करें और वैक्सिंग को सही टेम्परेचर पर ही मेंटेन करें। पार्टनर्स, इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप अपने कस्टमर के लिए वैक्सिंग के एक्सपीरियंस को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं। थैंक यू इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए।